हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड, मेरा नाम है माचू, आप देख रहे हो पावर ऑफ इफेक्ट, लेट्स टॉक सिनेमा। तो ज़ॉम्बी लैंड 2 डबल टैप रिलीज हो चुकी है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, जिसका मैं छोटा सा, बहुत छोटा सा रिव्यू करने वाला हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो वुडी हैरल्सन, जेसी आइसनबर्ग, अबिगेल ब्रेसलिन और एमा स्टोन रीप्राइज कर रहे हैं उनका 2009 वाला रोल जो ज़ॉम्बी लैंड 1 में किया था उन्होंने। 10 साल बीत चुके हैं और 10 साल ज़ॉम्बी लैंड मूवी के अंदर भी बीत चुके हैं। इसके अलावा उनको अकंपनी कर रहे हैं यहाँ पे रोजारियो डॉसन, जो ड्यूच एंड ल्यूक विल्सन, और इसे डायरेक्ट किया है रूबेन फ्लेस्टर ने, और इसके राइटर्स हैं रेड रीज, पॉल वेर्निक एंड देव कैलम। एक्चुअली इसका एक टैगलाइन थी और वो ये थी कि फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ वेनॉम एंड द राइटर्स ऑफ डेडपूल। तो सिर्फ इमेजिन करो, वेनॉम जैसा खून खराबा और एक्शन सीन्स, और उसके साथ डेडपूल वाले राइटर्स, एक गजब का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और वो कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं ज़ॉम्बीलैंड 2 डबल टैप में। क्या है मूवी, कैसी मूवी, फटाफट से बताता हूँ मैं आप लोगों को। स्टोरी स्क्रीन प्ले बायफर्केट करने से कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल बताता हूँ ज़ॉम्बीलैंड कैसी है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा फनी है, लेकिन ज़ॉम्बीलैंड 1 से अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो नहीं, कोई अच्छी है नहीं, लेकिन जो फनी सीन्स हैं मूवी में वो गजब के सीन्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो यू नो नेल बाइटिंग सीन्स भी हैं इस मूवी में। इसके अलावा जो चारों लीड एक्टर्स हैं उन्होंने गजब का काम किया है, हिलेरियस हैं वो लोग। जो ओपनिंग शॉट था मूवी का जहाँ पर चारों कैरेक्टर्स वापस इंट्रोड्यूस होते हैं, उस टाइम जो स्लोमो शॉट्स हैं जहाँ पे वो ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं, वो गजब वाला स्लोमो था यार, गजब का था वो। इस मूवी की एंडिंग भी बहुत ही धमाकेदार है। ज़ॉम्बीलैंड 2 में हमको पता चला है कि ज़ॉम्बीज भी अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं ज़ॉम्बीलैंड में ज़ॉम्बीज की। और जो कैरी किया था सेलिब्रिटीज के घर रुकना, इस बार वो वॉशिंगटन DC में रुके थे, व्हाइट हाउस में, तो वो चीज भी कैरी ऑन की गई है। बिल मुरे का रेफरेंस है, मिड क्रेडिट सीन है बिल मुरे का, और वो गजब का मिड क्रेडिट सीन है। नॉर्मली मिड क्रेडिट सीन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, 30 सेकेंड, ये आई थिंक 1.5 मिनट का है, और ज्यादा सस्पेंस रिवील नहीं करूंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मिड क्रेडिट सीन के लिए जरूर रुकना। मैं ऑलमोस्ट बाहर चला गया था, वापस आया। इन ऑल ये मूवी बहुत ही फनी है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा, आपको सेकेंड पार्ट पसंद आएगा। मैं इस मूवी को देता हूँ 3.5 stars out of 5। ये मूवी वन टाइम वॉच जरूर है अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो। ज्यादा कुछ नहीं था इस मूवी के बारे में कहने को, जो भी था कह दिया है। अगर आपको पसंद आया हो ये शॉर्ट सिंपल सा रिव्यू, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।